सम डिफरेंट एडिटिंग जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर नहीं की थी एंड सम स्पेशल। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया शेट्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ आई एडिट माय इंस्टाग्राम पिक्चर्स ऑन माय मोबाइल फोन। नाउ एडिटिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है जहां पे मैंने शेयर किया है हाउ आई एडिट माय इंस्टाग्राम पिक्चर्स इन लाइटरूम ऐप। सो इफ यू हैव सम टाइम देन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट टाइप की एडिटिंग शेयर करूंगी जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में नहीं की थी। नाउ ये जो सारी एडिटिंग मैं शेयर करने वाली हूँ ये करने में बहुत ही ज्यादा ईजी होती है बट इनके रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग होते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो कि ये सारी एडिटिंग कौन सी है देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और नॉट। एंड या लेट्स गेट स्टार्टिंग। सो फर्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी हाउ आई रिमूव अननेसेसरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम माई पिक्चर्स। सो फॉर दैट आई यूज स्नैपशीट ऐप। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्नैपशीट ऐप ओपन करना है, देन सेलेक्ट द पिक्चर फ्रॉम विच यू वांट टू रिमूव एनी ऑब्जेक्ट, देन सेलेक्ट द ऑप्शन टूल्स एंड फ्रॉम दैट सेलेक्ट द ऑप्शन हीलिंग। सो जब आप हीलिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वो एरिया रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ यू कैन सी मैंने इसको नॉर्मल पोजिशन पर रखा है पिक्चर को एंड देन आई एम ट्राइंग टू रिमूव दिस ऑब्जेक्ट, सो इट नॉट रिमूविंग इट दैट परफेक्टली, वहाँ पर कुछ ब्लैक सा छूट गया है। सो आपको परफेक्टली रिमूव करने के लिए यू हैव टू जूम द पिक्चर एंड देन रिमूव दैट ऑब्जेक्ट, एंड फिर आपको बहुत ज़्यादा बारीकी पे रिमूव करना है, लाइक बहुत छोटे छोटे कोनों में से रिमूव करना है, देन यू हैव टू जूम द पिक्चर मोर एंड देन ट्राई टू रिमूव इट, एंड दैट्स हाउ यू कैन रिमूव ऑल द अनवांटेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर पिक्चर्स। सो नेक्स्ट एडिटिंग इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड एडिटिंग फ्रॉम यू गाइज, दैट यू ऑल आर आस्किंग मी दैट आपने जो यूट्यूब की प्रोफाइल पिक्चर है वो कैसे एडिट की। सो माई यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर हैज दिस एनिमेटेड लुक टू इट, सो फॉर दैट आई यूज द ऐप पिक्स आर्ट। सो नाउ ओपन द पिक्स आर्ट ऐप एंड सेलेक्ट द पिक्चर यू वॉन्ट टू गिव सम एनिमेटेड लुक, देन नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट, उसको चूज करिए एंड देन स्क्रॉल इट एंड देन यू विल सी एन अनदर ऑप्शन कॉल आर्टिस्टिक, उसमें से जो फर्स्ट फिल्टर है उसको चूज करिए। जैसे ही आप उस फिल्टर पे क्लिक करेंगे वो फिल्टर आपकी पिक्चर पे अप्लाई हो जाएगा। देन आपको दो ऑप्शन दिखेंगे अमाउंट एंड फेड। फेड वाला ऑप्शन आपको इंक्रीज करना है तब तक जब तक आपके फेस के जो फीचर्स हैं वो ढंग से दिखने ना लगे, प्लस मेक श्योर कि जो एनिमेटेड लुक आ रहा है वो भी उसके साथ रहे, आपको ज़्यादा फेड का अमाउंट इंक्रीज नहीं करना है। देन जब ये हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई बटन पे, उसके बाद आपको फिर से स्क्रॉल करना है बैकवर्ड एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन एफ एक्स एंड उसमें से आपको फिल्टर सेलेक्ट करना है एच डी आर। सो अगेन जब आप फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो वो फिल्टर आपकी पिक्चर पर अप्लाई हो जाएगा एंड देन हियर यू हैव फोर डिफरेंट ऑप्शन जिसको आप आपके अकॉर्डिंगली डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। बट इन केस आपको लगता है कि एच डी आर का जो अमाउंट है वो आपकी पिक्चर पर बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप फेड ऑप्शन को इंक्रीज करके उस अमाउंट को डिक्रीज कर सकते हैं। नाउ हमारी एनिमेटेड पिक्चर तो बन गई है बट इसको थोड़ा सा डेफिनेशन देने के लिए मैं इसको अगेन एडिट करूंगी लाइट रूम में। सो मैं इसे लाइट रूम में नॉर्मली एज अ पिक्चर एडिट करूंगी एंड वही चीज़ें इंक्रीज करूंगी जो इस पिक्चर पे सूट करेगी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर पिक्चर मैंने तीन फिल्टर का ज़्यादा यूज़ किया है, वो है क्लैरिटी, टेक्स्चर एंड डीहेज। नाउ इन फिल्टर का जो अमाउंट है वो हर पिक्चर पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट एडिटिंग इज अ स्पेशल एडिटिंग। सो ये वाली एडिटिंग मैंने अपनी एक फोटोशूट वाली वीडियो में शेयर किया था एंड आप लोग पूछ रहे थे कि इसको कैसे एडिट किया, सो हियर इट इज़। सो इसके लिए भी मैंने यूज़ किया था पिक्स आर्ट ऐप का। सो जो पिक्चर मैं यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी मैं एडिट कर चुकी हूँ लाइट रूम में। सो बेसिकली स्पेशल एडिटिंग में आपको ऐसी पिक्चर लेनी है जो यू नो परफेक्ट हो, जो फाइनल पिक्चर हो आपकी। नाउ ओपन द पिक्स आर्ट ऐप एंड अगेन एट द ब्लो यू विल सी एन ऑप्शन इफेक्ट, उसमें से आपको एफेक्ट्स वाला ऑप्शन चूज करना है एंड देन स्क्रॉल इट एंड यू विल सी अ ब्लैक एंड वाइट फिल्टर, वो आपको आपकी पिक्चर पे अप्लाई करना है। नाउ एट द टॉप यू विल सी एन इरेज ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आपको उस एरिया को इरेज कर देना है जिसको आपको कलर रखना है एंड उस एरिया को छोड़ देना है जिसको आपको ब्लैक एंड वाइट रखना है।
And yes, that's how I do my special editing, but I will not stop here. I will edit this picture again on Lightroom. सो अगेन मैं इसे नॉर्मली लाइट रूम में एडिट करूँगी एंड वही फिल्टर को इंक्रीज करूँगी जो इस पिक्चर पे सूट करेंगी और जिस टाइप से मुझे इसको प्रेजेंट करना होगा. सो नेक्स्ट इज अ जुगाड़ थिंग. यहाँ पे मैं आपको शेयर करूँगी कि आप जुगाड़ वाली पोर्ट्रेट पिक्चर कैसे बना सकते हैं. सो बेसिकली पोर्ट्रेट पिक्चर में ये होता है कि जो बैकग्राउंड रहता है वो ब्लर रहता है, राइट? सो वो तो हम बहुत ईजिली कर सकते हैं. सो उसके लिए मैं अगेन यूज़ करूँगी पिक्सआर्ट ऐप. सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको वाला पिक्चर सेलेक्ट करना है जिसे आपको पोर्ट्रेट बनाना है एंड देन आपको फिर से वो वाला इफेक्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है एंड उसमें एफेक्ट्स की जगह आपको एक ब्लर ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करिए एंड जो फर्स्ट ब्लर ऑप्शन है उसको आपकी पिक्चर पे अप्लाई कर दीजिए एंड देन अगेन वहाँ पे फेड वाला ऑप्शन है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, यू नो, कि वो थोड़ा सा ओरिजिनल लगे. सो आपको एक इरेज वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करिए एंड वाला एरिया इरेज कर दीजिए जहाँ पे आपको ब्लर नहीं चाहिए. सो बेसिकली पोर्ट्रेट में पीछे साइड ही ज़्यादा ब्लर रहता है एंड सामने नहीं रहता है, तो हम वो एरिया को इरेज कर देंगे. नाउ मेक श्योर जब आप इरेज करें तो ज़्यादा परफेक्शन के साथ इरेज ना करें, फ्री हैंड से इरेज करिए ताकि वो थोड़ा सा ओरिजिनल लगे. नाउ अगेन आई विल नॉट स्टॉप हेयर एंड एडिट दिस पिक्चर इन लाइट रूम. नाउ मैं बार बार हर पिक्चर को एडिट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज हमने कुछ जो खुरापाती की है वो दिख जाएगी अगर हम इसको एडिट नहीं करेंगे, बिकॉज आफ्टर एडिटिंग सारी चीज़ें यू नो एक जैसी दिखने लगेगी, मर्ज हो जाएगी, आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट थोड़ी सी ओरिजिनल लगने लगती है एंड सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, एक साथ दिखती हैं. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू एडिट योर पिक्चर आफ्टर एनी खुराबाती यू हैव डन टू योर पिक्चर्स. So the last but not the least, I will share with you guys how I edit my Instagram pictures. So एक वीडियो में मैंने fully explain किया है how I edit my Instagram pictures in Lightroom app. Today मैं आपके साथ सिर्फ वाले filter share करूँगी Lightroom के जो आपको हमेशा use करने चाहिए आपके pictures पे. Now जब आपकी पिक्चर बहुत डल आए, लाइक ब्लैक ब्लैक सी आए, उसमें कोई लाइट या ब्राइटनेस तो हो ही नहीं, तो उसके लिए आप एक्सपोजर फिल्टर का यूज़ कर सकते हो. एंड जब आप एक्सपोजर फिल्टर यूज़ करते हो तो आपको कॉन्ट्रास्ट फिल्टर यूज़ करना ही है बिकॉज इट एड मोर डेफिनेशन. नाउ जो नेक्स्ट फिल्टर है वो आपको हर पिक्चर पे यूज़ करना है, वो है टेक्सचर एंड क्लैरिटी. नाउ जो इसका अमाउंट है वो हर पिक्चर पे डिपेंड करेगा. नाउ जो नेक्स्ट फिल्टर है वो आपको हमेशा आपकी हर पिक्चर पे यूज़ करना है, वो है डिहेज. नाउ दिस फिल्टर विल चेंज योर पिक्चर कम्प्लीटली एंड इसका अमाउंट भी हर पिक्चर पे डिपेंड करेगा. नाउ टू एड मोर फन टू योर पिक्चर यू कैन यूज़ दिस फिल्टर टिंट एंड टेम्परेचर. इट विल हेल्प टू एड एनी कलर टच यू वॉन्ट. And at the last, just experiment with all the filters available and see what best work for your pictures.